उन्हाळा जरी सुरू असला तरी देखील विदर्भात पाऊस हा पडतोच आहे. या अवकाळी पावसाचे काय कारण आहे आणि विदर्भात पुन्हा पाऊस पडणार काय? नेमकं विदर्भात मान्सूनचे आगमन कधी होणार याबद्दल हवामान विभागाने माहिती दिली आहे. चला तर बघूया. मई का महिना सामान्य तौर से विदर्भ में काफी गर्म रहता है और इस महीने में कम से कम 15 दिन हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री या उससे ज़्यादा रहता है, जो मतलब हीट वेव की कंडीशन रहती है. लेकिन पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है और इस वर्ष भी अभी तक सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अकोला में ही 44 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. नागपुर अभी 42.2 के आसपास में ही रहा है, उससे ऊपर नहीं गया है. और इसका मुख्य कारण ये है कि सेंट्रल इंडिया में जो गर्मी पड़ने के लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है वो ये है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ड्राई विंड्स राजस्थान की तरफ से यहाँ पर आए और कोई सिस्टम जो है बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में ना बने, तो उससे मॉइस्चर कम हो जाता है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड ड्राई रहती है तो उससे टेम्परेचर काफ़ी जल्दी बढ़ता है. लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एंटीसाइक्लोन बने हुए, वहाँ से मॉइस्चर आ रहा है और सेंट्रल इंडिया में विंड डिसकंटिन्यूटी या अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है तो उसके कारण बीच बीच में बारिश हो रही है. तो इसलिए अभी तक उतनी गर्मी नहीं पड़ी है, लेकिन ये विंड डिसकंटिन्यूटी लगातार थोड़े थोड़े स्पेल में बन रही है, इसके कारण बारिश ज़रूर हो रही है. अगर हम विदर्भ का देखेंगे तो 74 मिलीमीटर के लगभग एवरेज, हमारे जो 11 डिस्ट्रिक्ट है उसका एवरेज 74 मिलीमीटर, ये जो समर सीजन है 1 मार्च से लेके 15 मई मतलब अभी तक हुआ है. और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड हमने जो चेक किया है उसमें ये सेकंड हाईएस्ट है, क्योंकि पिछले साल भी 2023 में इतने ही पीरियड में 124 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ था. तो उसके बाद में ये 74 है. नॉर्मली इस पीरियड में रेनफॉल मुश्किल से 30-40 मिलीमीटर होते हैं, लेकिन उससे कम ही रहते हैं. बट इस बार जो है 74 मिलीमीटर हो गया और पिछले साल जो था उससे भी ज़्यादा हुआ था, तो सेकंड हाईएस्ट अभी तक का रेनफॉल हुआ है.